हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल सिनेमा वेथानी सजय में। तो ऑल फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा भाषा की सुपरस्टार एक्टर आशिका रंगनाथ की सभी फिल्मों के बारे में। आशिका रंगनाथ की डेब्यू मूवी का नाम था क्रेजी बॉय, जिसे डायरेक्ट किया था महेश बाबू ने। फिल्म के लीड कास्ट में दिलीप प्रकाश, आशिका रंगनाथ और पी रविशंकर शामिल थे। कनाडा भाषा की यह मूवी 19 अगस्त 2016 को रिलीज किया गया था और बॉक्स ऑफिस पर क्रेजी एक एवरेज मूवी साबित रही। आशिका रंगनाथ की नेक्स्ट मूवी का नाम था मास लीडर, जिसे डायरेक्ट किया था नरसिम्हा ने। फिल्म की लीड कास्ट में शिवा राजकुमार, प्रणीता सुभाष और आशिका रंगनाथ शामिल थे। कन्नड़ा भाषा की यह मूवी 11 अगस्त 2017 को रिलीज किया गया था और बॉक्स ऑफिस पर इसे एक हिट साबित करार दिया गया था। आशिका रंगनाथ की नेक्स्ट मूवी का नाम है मुगुल नाग, जिसे डायरेक्ट किया था योगा भट्ट ने। फिल्म की लीड कास्ट में गणेश, आशिका रंगनाथ और नितिन नारायण शामिल थे। यह फिल्म 1 सितंबर 2017 को रिलीज हुआ था और बॉक्स ऑफिस पर मुकुल नाग एक सुपरहिट मूवी साबित रही। आशिका रंगनाथ की नेक्स्ट मूवी का नाम है राजू कनाडा मीडियम, जिसे डायरेक्ट किया था नरेश कुमार ने। फिल्म के लीड कास्ट में सुदीप, अवंतिका सेट्टी और आशिका रंगनाथ शामिल थे। यह फिल्म 19 जनवरी 2018 को रिलीज किया गया था और बॉक्स ऑफिस पर राजू कनाडा मीडियम एक हिट मूवी साबित रही। आशिका रंगनाथ की नेक्स्ट मूवी का नाम है रैम्बो 2, जिसे डायरेक्ट किया था अनिल कुमार ने। फिल्म के लीड कास्ट में शरण, आशिका रंगनाथ और गणेश शामिल थे। यह फिल्म 18 मई 2018 को रिलीज किया गया था और रैम्बो 2 बॉक्स ऑफिस पर एक हिट मूवी साबित रही। आशिका रंगनाथ की नेक्स्ट मूवी का नाम था माधा गजा, जिसे डायरेक्ट किया था यश महेश कपूर ने। फिल्म के लीड कास्ट में श्री मुरली, रामचंद्र राजू और आशिका रंगनाथ शामिल थे। यह फिल्म 3 दिसंबर 2021 को रिलीज किया गया था और बॉक्स ऑफिस पर माधा गजा एक सुपरहिट मूवी साबित रही। आशिका रंगा की नेक्स्ट मूवी का नाम है अवतारा पुरुषा, जिसे डायरेक्ट किया था सिंपल सोनी ने। फिल्म के लीड कास्ट में शरण, आशुतोष राणा और आशिका रंगनाथ शामिल थे। 6 मई 2022 को रिलीज हुआ यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर मूवी साबित रही। आशिका रंगनाथ की नेक्स्ट मूवी का नाम है गरुड़ा। फिल्म के लीड कास्ट को जिस फिल्म ने गरुड़ा जिसे डायरेक्ट किया था धना कुमार ने। फिल्म के लीड कास्ट में कामना, जेठमलानी, रविशंकर, श्रीनागरी कैट्टी शामिल थे और इनके साथ आशिका रंगनाथ भी शामिल थे। 20 मई 2022 को रिलीज हुआ यह फिल्म हम बॉक्स ऑफिस पर एक फ्लॉप मूवी साबित रही। आशिका रंगनाथ की नेक्स्ट मूवी का नाम है रायमो, जिसे डायरेक्ट किया था पवन वादेयर ने। फिल्म की लीड कास्ट में राजेश, नारंगा, मधु, आयुचु कुमार और आशिका रंगनाथ शामिल थे। यह फिल्म 25 नवम्बर 2022 को रिलीज किया गया था। आशिका रंगनाथ की नेक्स्ट मूवी का नाम है आमी गोस, जिसे डायरेक्ट किया था राजेंद्र रेड्डी ने। फिल्म के लीड कास्ट में नंदा मौरी, कल्याणा राम, आशिका रंगनाथ और कल्याणी यंग शामिल थे। यह फिल्म 10 फरवरी 2023 को रिलीज किया गया था और बॉक्स ऑफिस पर आमी घोष एक फ्लॉप मूवी साबित रही। तो फ्रेंड, ये रहा हमारा आज का वीडियो और इस वीडियो में हमने आशिका रंगनाथ की सभी फिल्मों के बारे में बताया है। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल सिनेमा विथ हनी सजय को जरूर सब्सक्राइब कर ले।